स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जेडीसी क्लासेस। सो जैसा कि आपके पास ये लास्ट वन वीक बचा हुआ है रिगार्डिंग द जीपैट एग्जामिनेशन डेट, कि हाँ सर 8 जून को हमें एग्जाम देने जाना है, बहुत सारी टेंशन हो रही है। क्या ये टेंशन लेना वाकई उचित है? और अगर ले रहे हैं तो कितना हमें डरना चाहिए वो भी समझ लेना एक बार बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं ये वीडियो सिर्फ अलग छोटा सा बना रहा हूं आपसे, बिटर बट ट्रुथ फैक्ट अबाउट द जीपैट एग्जाम। ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। वो क्या है? वो है सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारी फाइट कितने स्टूडेंट्स के साथ में है, मुझे अपना रिजल्ट कैसा लाना है, कैसे मुझे अपनी रैंक को बनाना है। वो समझ के एक बार थोड़ा सा बढ़ोगे तो शायद और ज्यादा उससे आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए मैं आपके सामने एक थोड़ा सा डेटा प्रोड्यूस करता हूं फ्रॉम 2018 to 2023 का। ये क्लियर कट फैक्ट है। अगर आप बात करोगे 2018 में, जरा ध्यान से सुनिएगा, 2018 में 37,000 स्टूडेंट्स हैव नियरली फिल्ड द फॉर्म एंड 34,000 स्टूडेंट्स हैव गिवन द एग्जामिनेशन। आउट ऑफ दैट अराउंड 2,800 स्टूडेंट, दैट मींस 8% स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड एंड द हाईएस्ट मार्क्स इन दैट ईयर वॉज द 336। कट ऑफ तो आपने देखी है कि अगर मैं बात करूंगा 2018 की तो कितनी कट ऑफ आई थी वो आपने देख लिया है, पहले ही मैंने बनाया है। लेकिन यहां पे आपका मैक्सिमम सोचिए स्टूडेंट्स ला रहा है 336, मींस ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूंगा तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा लगभग 70% भी नहीं है, मींस 65-66% के आसपास नियर बाई आपको यहां पे रिजल्ट मिल जा रहा है हाईएस्ट टॉपर का। और परसेंटेज कितना है? 8.2% स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड। सिमिलर अगर आप 2019 की बात करो, थोड़े स्टूडेंट बढ़ गए, 40,000 स्टूडेंट्स हैव गिवन द एग्जामिनेशन, 4,100 स्टूडेंट्स अराउंड 9.86% हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन एंड द हाईएस्ट मार्क्स इन दैट ईयर वाज द 302 मार्क्स। In 2020, 50,000, 48,000 nearly given the examination, 4,900 students have qualified, 9.8%, highest marks was the 315. In 2021, 47,000, 45,000 have given the examination, 4,400, around 10% students have qualified and the highest marks was the 359. And this is the highest ever up to the last year. In 2022, 53,000 appeared the exam, 5,000 students have qualified, nearly 10%, and the highest was 316. Now, last year, the examination was conducted into the two shift, shift 1, shift 2. Around total 68,000 students have filled the form and 62,000 students have given the examination. Maximum student wahi hai jo last year jinhone sabse zyada paper chhoda tha. And students qualified 5,200 and the average percentage of qualifying students is 8.5% and the highest marks nearly 364. Why? Nearly क्योंकि ये percentile में आया था तो हमने इसको calculate करके देखा है तो on average ये 364 आया है, nearly की बात कर रहे हैं। अब सर ये data समझने से क्या होगा? अब जरा ये समझिएगा, इस बार in 2024 अराउंड 50,000 स्टूडेंट्स हैव फिल्ड द फॉर्म। आउट ऑफ दैट अगर मेरा एक प्रॉक्स सही है, लगभग 7-8% का रिजल्ट आपका आने वाला है, मींस ऑलमोस्ट 4,000 स्टूडेंट्स, मींस अराउंड 8%, 10 में से अगर मैं बात करूंगा मुझे अपने एक को बनाना है, मैं 10% भी लेके चलूंगा तो मान के चलूंगा कि मुझे 10 में से वो एक स्टूडेंट बनना है जिसको क्वालिफाई करना है। हाईएस्ट मार्क्स अभी भी मैं कंफर्म करूं 400 टच कर जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, बहुत इजी पेपर आ जाएगा तो भी, अदरवाइज अराउंड 350 प्लस माइनस 20 आपको देखने को मिलेगा। दैट मींस कि अगर मैंने थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई किया है और अराउंड में अपने मॉक टेस्ट में 200 मेंटेन करके चल रहा हूं, सो ये मुझे डाउट नहीं रहेगा कि मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं। बट
वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक में 100 एक में 200 ऐसा मार्क्स नहीं आना चाहिए। और इसलिए ये लास्ट मोमेंट पे सिर्फ अपना फोकस करिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, रिलैक्स रहिए, टेंशन मत लीजिए, केवल रिवीजन, सिर्फ रिवीजन, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो और रिलैक्स रहो, कूल एंड काम सिचुएशन के साथ। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, आपकी फाइट सबसे नहीं है, आपकी फाइट मैक्सिमम अगर मैं बात करूं बेटा 10,000 स्टूडेंट से ज्यादा की फाइट है ही नहीं है, बाकी तो वैसे ही आपके लिए कंपटीटर नहीं है, आपके कंपटीटर सिर्फ 10,000 ही स्टूडेंट्स हैं और उस 10,000 में आपको शुरू के 3,000 में आना है, बस सिंपल ये मान के चलिएगा। सो प्लीज बी मोटिवेटेड, सिंपल थॉट के साथ रहिए, हमने पढ़ा है, मेहनत किया है, पूरे साल दो साल हमने टाइम दिया है, हमारा रिजल्ट खराब हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, बस अपने लास्ट टाइम के रिवीजन पे फोकस करिए। और इसी के साथ हमारी पूरे जीडीसी टीम की तरफ से आपको आपके एग्जाम के लिए और आपकी ये लास्ट मोमेंट के रिवीजन प्रिपरेशन के लिए गुड लक, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए और एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करिए इन द जीपैट 2024। सो विद दिस, थैंक यू एवरीवन।